कहा जाए ना तो फिर तीन तरह की सब्जी दी जाती है और चावल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। दाल और बाद में मिल जाता है, दाल मिल जाता है, साथ ही साथ प्याज हो गया, सब्जी हो गया। अभी ना इस महीने मैंने जैसा वादा किया था कि आपको बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस, बड़े बड़े बिग सिटी जो फेमस सिटी है वहाँ का सस्ते होटल का देने वाला हूँ, बढ़िया होटल सब देने वाला हूँ। अब मेनली टूरिस्ट प्लेस पे हमारा इस महीने नज़र रहेगा, कौन इंडिया में बड़े बड़े शहरों का टूरिस्ट प्लेस है उन सब जगहों के पास ना मैं सस्ते बढ़िया होटल का ब्लॉग देना चाह रहा हूँ। तो हमारे चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस महीने ना आपको प्रतिदिन पर डे 10 तारीख के बाद तीन तीन वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पे, सुबह दोपहर शाम। हाँ फ्रेंड, अभी लगभग अगले दो महीने में 200 शहरों से आपको वीडियो मिलने जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अपने भाई, फिर से स्वागत है, खैर मकदम है, एक और बढ़िया सा व्लॉग लेकर, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, यह पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड अभी फाइनली आप बैक टू बैक वीडियो कहाँ का देख रहे हैं, तो जयनगर जो कि बिहार का लास्ट सिटी कह सकते हैं या लास्ट गाँव कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसके बगल में हमारा जो नेबर कंट्री है नेपाल वो शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड फाइनली ना बहुत सारे लोग नेपाल आते हैं घूमने, तो जयनगर के थ्रू जाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए जयनगर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ का कुछ अच्छा व्लॉग दिया जाए, तो मैंने यहाँ सस्ता और महंगा दोनों व्लॉग आपको दिखाएं होटल के बारे में। अब फ्रेंड जो वीडियो होने जा रहा है ना वो सस्ता खाने का, फ्रेंड नाम सस्ता है लेकिन क्वालिटी इतना अच्छा है ना फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना हर साल पसंद आता है, मैं जब आता हूँ यहाँ खाना खाता हूँ और क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों ही बहुत बढ़िया मिलता है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं फ्रेंड एक बात कहना चाहता हूँ, जनरली आपका भाई कभी कहता नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आज मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ना इस महीने मैंने जैसा वादा किया था कि आपको बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस, बड़े बड़े बिग सिटी जो फेमस सिटी है वहाँ का सस्ते होटल का देने वाला हूँ, बढ़िया होटल सब देने वाला हूँ। अब मेनली टूरिस्ट प्लेस पे हमारा इस महीने नज़र रहेगा, कौन इंडिया में बड़े बड़े शहरों का टूरिस्ट प्लेस है उन सब जगहों के पास ना मैं सस्ते बढ़िया होटल का ब्लॉग देना चाह रहा हूँ। तो हमारे चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस महीने ना आपको प्रतिदिन पर डे 10 तारीख के बाद तीन तीन वीडियो आपको मिलेंगे इस चैनल पे, सुबह दोपहर शाम। हाँ फ्रेंड अभी लगभग अगले दो महीने में 200 शहरों से आपको वीडियो मिलने जा रहा है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी मशवरा देना चाहे, सलाह देना चाहे, एडवाइस देना चाहे तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर शहर का होटल नंबर वगैरह ज़रूर दूँ। फ्रेंड आज जो मैं बात कहना बताने जा रहा हूँ ना सस्ते खाने का होटल, आप जब भी जयनगर आए ना और आपको खाने का मन हो तो एक बार रेलवे स्टेशन के सामने मेहमान होटल है, यहाँ ज़रूर खाएं। ऐसे होटल बहुत सारे हैं लेकिन सबका जो चार्ज है ना बहुत ही ज़्यादा है, बट यहाँ जो मेहमान होटल है ना फ्रेंड इसका चार्ज सिर्फ बहुत कहा जाए ना तो सिर्फ 60 रुपया है, लेकिन वेराइटीज़ कहा जाए ना तो फ्रेंड तीन तरह की सब्ज़ी दी जाती है और चावल की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा रहती है, दाल और बाद में मिल जाता है, दाल मिल जाता है, साथ ही साथ प्याज हो गया, सब्जी हो गया, नींबू हो गया, ये प्याज हो गया, सब्जी हो गया और जो भी हरी मिर्च वगैरह है हर चीज़ आपको मिल जाता है, काफ़ी मतलब टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा तो चलिए यहाँ भी लोगों को दिया जाए, इन्फॉर्मेशन बताया जाए, क्योंकि आपका भाई हर जगह से ना होटल सस्ता होटल के साथ साथ जहाँ खाना पसंद आता है क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों और प्राइस, तो उसकी जानकारी मैं ज़रूर देता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये आपको जानकारी दिया। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो आप हमें कमेंट करके भी हमसे आप पूछ सकते हैं। और बस ये रेलवे स्टेशन के सामने है मेहमान होटल, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया ना कि बहुत भीड़ था और कंजस्टेड इलाका था, कंजस्टेड होटल था तो जगह की कमी थी, तो वीडियो बना के मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर खाने के लिए तो भीड़ ज़्यादा था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और फ्रेंड मैं तो एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया कि इस होटल में फ्रेंड नॉन मतलब सादा खाना तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ अगर आप वेज खाना चाहते हैं ना वेज में जैसे पनीर हो गया और भी बहुत सारा आइटम मिल जाएगा, मंचूरियन वगैरह सारा आइटम मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा पूछना भूल गया कि चिकन है या नहीं, बट पनीर का सारा आइटम वगैरह था और काफ़ी कम प्राइस में 55 रुपये में फ्रेंड आपको पनीर का, पनीर मटर का मसाला वगैरह मिल जाएगा, पनीर का सब्ज़ी मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। और इसके बगल में ना बहुत सारे होटल है जहाँ कम से कम 100 रुपीज़ का चिकन और ये जो होता है अंडा वगैरह मटन वगैरह वो सब मिल जाएगा 100 रुपये प्लेट के हिसाब से, तो इससे महंगा भी इसके बगल में है, बट ये अगर आप नॉनवेज है ना सॉरी वेज है ना तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और सारा जैसा भी आप चाइनीज़ और इंडियन जो भी खाना चाहेंगे ना सारा ऑर्डर पर दीजिएगा, फट से बन के रेडी हो जाएगा। तो जब भी आप जयनगर आए ना फ्रेंड तो खाना यहाँ ज़रूर खाएं और कमेंट करके बताइए कि आपको खाना कैसा लगा। तो चलिए तैयार रहिए इस महीने बैक टू बैक बड़े बड़े शहरों टूरिस्ट प्लेस का वीडियो देखने के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।